आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे द लीनियर कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम क्या होती है और उसको ये क्या होती है, हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो प्रॉब्लम बेसिकली इस फॉर्म में होगी, हमारे पास गिवन वेक्टर्स जो होंगे v1 v2 डॉट डॉट vp एंड b, इस तरह से वेक्टर्स होंगे हमारे पास। इस b इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 डॉट डॉट vp, ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट v1 बराबर ये है हमारे पास 100, v2 बराबर 001 एंड b बराबर 020 एंड b2 बराबर -307। और क्वेश्चन है आर b1 एंड b2 आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। तो हमें चेक करना है, पहले तो b1 को चेक करेंगे कि b1 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2 है या नहीं। उसके बाद b2 को चेक करेंगे कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन है v1 और v2 का है या कि नहीं। तो पहले हम चेक कर रहे हैं फॉर एनी स्केलर x1 और x2 के लिए। सपोज कर लिया हमने x1 v1 प्लस x2 v2, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, बेसिकली ये बनेगा x100 प्लस x2 और ये 001। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसका मल्टीप्लाई अंदर वाले टर्म से होगा, साइड टर्म से होगा, तो ये x1 0.x10 रहेगा और ये भी 0, तो ये x1 हो गया। और इस तरह से x2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा 0.0x2, ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास x1, इन दोनों को ऐड के तो x10 एंड x2, तो ये हो गया हमारे पास 0, 0 एंड 2, बट 0 ≠ 2। 0 जो है कभी नॉट इक्वल टू 2 होता ही नहीं है। तो इस कंडीशन हम कहेंगे कि ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। जो यहाँ से कह सकते हैं हम, जो v1 था वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है v1 और v2 का। अब हम चेक करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाले के लिए हमने यहाँ पे हमें सेकंड वाला इसी तरह से सेकंड वाला चेक करना है। तो सेकंड वाले के लिए हमने ये किया, तो ये टर्म आएंगे हमारे पास, तो ये आएगा x1 0 x2, सिंपल इसी तरह से जैसे यहाँ पे किया था। बट इस बार जो राइट हैंड साइड में होगा वो होगा हमारे पास ये वाली टर्म -307। तो यहाँ से x1 बराबर क्या हो गया -3 एंड x2 बराबर 7। तो हमारे पास यानी कि ये हमारे पास पॉसिबल है इस तरह से कि अगर x1 की वैल्यू -3 हो और x2 की वैल्यू 7 हो तो हमारे पास ये सेम हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3 एंड 7। तो अगर यहाँ पे देखें तो -3 v1 प्लस 7 v2, तो ये -3 0 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपली v1 जो है वो यही है हमारे पास, ये वाला कह सकते हैं प्लस, और ये 7 2 जो ये वाला था, ये वाला, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई करके ये आ गया -3 0 7 जो कि v2 के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं v2 जो है इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो हमारे पास इजीली सॉल्व हो गया था, अब थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट हमारे पास v1 ये है, v1 ये है, v2 ये है एंड v3 ये है एंड b बराबर ये है। डज देयर एग्जिस्ट, अब हम यहाँ पे हमसे पूछा गया डज देयर एग्जिस्ट एनी स्केलर्स x1 x2 एंड x3 सच दैट, कि ये जो हमें हमारे पास इस कंडीशन में फॉलो कर रहा है, यानी v1 v2 v3 जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b, सॉरी b जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 है या नहीं, ये चेक करना है हमें। तो हमें सिंपली x1 x2 एंड x3 की वैल्यू निकालनी होगी। तो x1 और x3 इसकी वैल्यू निकालने के लिए x1 b1 प्लस x2 b2 प्लस x3 b3। अब यहाँ पे हम देखते हैं v1 क्या है, 1 2 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो x1 1 2 1 प्लस x2 क्या है हमारे पास, ये है 110 110 एंड प्लस x3 क्या है हमारे पास 212। तो यहाँ से ये यह जाएगा हमारे पास सिंपली, अंदर मल्टीप्लाई होगा हर टर्म से इसका एक्स का, तो ये आ जाएगा x1 + 2x2 और सॉरी x1 2x2 और x2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे x2 x2 और 0, x3 का हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया। अब ये हमारे पास इनका ऐड किया तो ये हो जाएगा x1 + x2 + 2x3 और ये 2x1 + x2 + x3 x1 + 2x3, ये हो गया हमारे पास। वी वॉन्ट इक्वेशन 3.2 होल्ड द लेट इक्वल टू एक्सप्रेशन v1 v1, ये इसके लिए विद b। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको इक्वल टू b की फॉर्म में लिखना होगा। अब ये हमारे पास कहाँ से आ गया, ये आ गया हमारे पास x1 + x2 + 2x3 = 0।
2x1 + x2 + x3 बराबर 1, x1 + 2x3 = -2। तो ये इक्वेशंस आ चुके हैं हमारे पास। अब ये इक्वेशन फ्रेंड्स हमने जो पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इनका हम इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है सॉल्व करने के लिए? सिंपली इसके कोफिशिएंट होंगे, जैसे 1 कोफिशिएंट है, 1 कोफिशिएंट 2, तो 1 1 2, इस तरह से 2 1 1 2 1 1, और ये 1, और यहाँ पे x2 का 0 है, तो 1 0 2, और ये हमारे पास ये हो गया। अभी हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। इसको मैं सॉल्व करके दिखाने नहीं दिखा रहा, और चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, हमें पहले इस टर्म को 0 बनाना होगा। तो हमारे पास अगर हम R3 को कन्वर्ट करें, R3 को कन्वर्ट करें R3 - R1, तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स बनेगा, वो बनेगा 1, और साथ में R2 को भी, ये R3 R2 को भी कन्वर्ट कर रहे हैं हम, R2 को कन्वर्ट कर रहे हैं हम R2 - 2R1, तो ये हो जाएगा 1 1 2, और ये तो 0 है ही, क्योंकि R1 को हमने कोई चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे क्या क्या, R2 - 2R1, 2 का मल्टीप्लाई करके तो ये तो 0 हो जाएगा। अब ये है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस किया, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करके किया है तो 0, और ये हो गया हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई, इसमें किया हमने 2R1, सॉरी R1 में मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे R1, तो ये 4 हो जाएगा 4, और ये मतलब 1 - 4 यानी -3 आएगा यहाँ पे। ये हमारे पास -1, ये -3, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमारे पास R3 को क्या क्या, R3 - R1, तो सिंपली 0 - 1, 2 में से 2 तो माइनस किया 0, एंड और ये हो गया हमारे पास -2 0, तो ये -2 ये हो गया। अब इसको आगे भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा, बेसिकली हम यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, बट हम जब आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो ब्लू क्लियर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं हम 1 1 2। अब यहाँ पे इसको 0 बनाना है, तो हम बेसिकली इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 0 और ये तो 1 रहेगा, -3 और ये 1, और ये हो गया, जब दोनों को ऐड किया तो 0 और ये 0, दोनों को ऐड किया -3 इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास -1। फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास बेसिकली, अगर यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे शायद उसी तरह कुछ मिस्टेक कर दी हो मैंने। R3 क्या था, R3 - 2R1 ये था, और ये था R3 - R1, हो सकता है कहीं पे हम मिस्टेक हो। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसी तरह से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की तरह से हेल्प से, तो X1 की वैल्यू, X2 की वैल्यू और X3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये आप एक बार करेक्शन करके करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास X3 = 3 आना चाहिए था, तभी हमारे पास हो जाता। अब तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि X1 की वैल्यू 0 लें, X2 की वैल्यू 2 और X3 की वैल्यू -1 लें, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर हमने जो मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक की थी जब हम यहाँ पे R2 में R2 - 2R1 कर रहे, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, माइनस साइन के पास बाद का जो मैट्रिक्स रहेगा सेम रहेगा। ये जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे रख दिया है मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स को, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेसिकली इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, यानी R3 - R2 कर रहे हैं R3 के लिए, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास 3x3, अगर इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, 0x1 + x2 + 2x3 = 0, -x2 - 3x3 = 1, एंड 3x3 = -3। तो यानी x3 बराबर आ गया हमारे पास -1, x3 की वैल्यू जब -1 इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 = 2, और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x1 = 0। तो ये हमारे पास x1 x2 x3 इस तरह से मिल गए कि हमारे पास b को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि स्केलर्स मिल गए हमारे पास, 3 स्केलर्स जो कि b को इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, नॉट यूनिक भी हो सकता है, बट जब हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक है तो उस कंडीशन में, क्योंकि इस तरह के मैट्रिक्स फॉर्म से यहीं से चेक करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था किस तरह से यूनिक सॉल्यूशन चेक करते हैं, उस तरह से यहाँ से कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है या नहीं।